नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ एंड माय फाइनेंसेस। तो आज के इस वीडियो में मैं तीन सिंपल स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप अपने कोई भी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट का पूरा नॉलेज यूज़ करने वाला हूँ, जो मैंने CFP में सीखा है। सो शुरू करते हैं यार वीडियो को। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलना। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करें कि आपको क्या अचीव करना है एंड कितने टाइम में अचीव करना है। वो कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपको पैसा यूज़ होगा, वो आप गाड़ी खरीदना हो सकता है, कार खरीदना हो सकता है, आप घर खरीदना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका पैसा लगने वाला है। एंड आपको वो कितने टाइम में खरीदना है वो भी डिफाइन करके रखिए, तभी आप टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स या पैसा जो है जमा कर पाएंगे टाइम पे और अचीव कर पाएंगे अपना गोल। तो पहले तो डिफाइन आप कीजिए अपना गोल एंड कितने टाइम में अचीव करना है वो भी डिफाइन कीजिए, एंड उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। तो दोस्तों, दूसरे स्टेप के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लीजिए आपको एक कार खरीदनी है जिसकी आज की वैल्यू 7 लाख है, एंड वो कार आपको खरीदनी है 5 साल बाद। तो अब 5 साल बाद उसकी वैल्यू 7 लाख तो रहने वाली है नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैसियो का FC200V कैलकुलेटर, जो हर एक CFP के पास होता ही है। तो इसमें मैं अपना पूरा कोर नॉलेज यूज़ करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट का। तो देखिए, मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता हूँ। समझ लीजिए आपको 5 साल के बाद कार खरीदनी है, एंड इन्फ्लेशन में 7% पकड़ के चल रहा हूँ, अभी 7.5% चल रहा है, तो 7% पकड़ के चलते हैं। एंड उस कार की वैल्यू आज है 7 लाख रुपए, एंड उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी 9,81,756। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है एक, मतलब आपको 5 साल बाद 7 लाख रुपए नहीं लगने वाले, 9,81,786 रुपीस लगने वाले हैं। 7 लाख नहीं लगने वाले क्योंकि इन्फ्लेशन चालू है, ये ध्यान रखिए, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे करके आपका जो भी गोल है आप उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालिए भाई। अब इसमें तो काफ़ी आसान है क्योंकि ये कैलकुलेटर उसी के लिए बनाया गया है जो हर एक CFP के पास होता है, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों के पास नहीं होगा, लोगों के पास वो होगा नॉर्मल कैलकुलेटर। तो उसमें भी आप शायद निकाल सकते हो, अब मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने उसमें कभी ट्राई नहीं किया, मैं तो यही यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है भाई। तो 7 लाख की वैल्यू 5 साल बाद होने वाली है 9,81,786। तो सबसे पहले तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि भाई आज की जो वैल्यू है उसकी 5 साल बाद कितनी वैल्यू होने वाली है। सो है ये है आपका दूसरा स्टेप। तो भाई अब तीसरा एंड लास्ट स्टेप ये है कि जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है 9,81,786, उसको जमा करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा आज, तो वो पहले लेते हैं। तो समझ लीजिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है वो कुछ भी हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। द बेस्ट एंड द लेस रिस्की इज़ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आप वहाँ पे आपको टाइम नहीं देना पड़ता, अपना फंड मैनेजर है जो कुछ भी करता रहता है, जो भी अपने हिसाब से करता रहता है, एंड हमको रिटर्न्स मिलते रहते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 7% का नहीं, 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब रिटर्न्स मिल रहे हैं जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो 6% आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो 6% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको हर साल कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वो आ रहा है कुछ 1,64,306। अब ये अमाउंट आपको हर साल इन्वेस्ट करना है 5 साल तक, तभी जाके 9,81,000 जो है जमा हो पाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। तो ये है, अगर मैं 6% का इंटरेस्ट रेट यानी रिटर्न्स अज्यूम कर रहा हूँ, अगर आपको समझ लीजिए 7% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1,59,554 इन्वेस्ट करने होंगे हर साल। एंड अगर 8% के रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1,54,955 हर साल इन्वेस्ट करने होंगे। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, डेट फंड्स, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं FDs की बात करूं, जहाँ पे 5% का इंटरेस्ट रेट्स मिलता है,
तो उसके हिसाब से देखें तो आपको 169,217 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा हर साल, तभी जाके आपका 981,000 जमा होगा 5 साल बाद। तो FD में भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि नॉर्मली मिल जाता है आई थिंक, मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, मैं पहले बता दूँ, लेकिन मिल जाता है मैंने जहाँ तक देखा है। तो ये है भाई आपका तीसरा स्टेप। एंड हाँ, अगर आपको डीपली जानना है कि यू नो फाइनेंशियल गोल्स कैसे डिफाइन करना है एंड क्या कुछ फाइनेंस में होता है, तो आप इन्फिनिट फाइनेंशियल अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड हाँ, वहाँ पे उन्होंने एक सीरीज चला रखी है जहाँ पे वो 24 मनी आइडियाज शेयर कर रहे हैं शॉर्ट्स द्वारा, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, उसमें बहुत कुछ हिमांशु सर ने शेयर किया है। तो उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वो शॉर्ट्स देखिए, उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली सिंपली एंड डिटेल में शॉर्ट वीडियोस में बताया है, तो वो तो आप देख लीजिए भाई, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, क्योंकि इस चैनल पे मैं इतना ही बता सकता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं अभी। सो इतना ही रखते हैं, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड बाकी के वीडियोज़ भी चेक कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।